प्रदेश के देवरिया जनपद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी ही घटना घटित हुई है सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़िया बुजुर्ग गांव में, जहां पुरानी रंजिश को लेकर पहले से ही रास्ते में घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने बाइक पर सवार जो अपने गांव जा रहे थे उन्हें गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में कराकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिष्य पाल सिंह ने बताया कि इस घटना में एक की मौत हुई है तो एक की हालत गंभीर है। जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला ये आज शाम को ये सूचना मिली, गांव पड़ता है कोतवाली का बढ़िया बुजुर्ग, वहां पर आपस में गोलीबारी की सूचना मिली है और अभी दोनों पक्षों से बात नहीं हो पाई है। एक पक्ष से बात हुई तो उनका ये आरोप है कि कुछ लोग रास्ते में घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने मोटरसाइकिल से, हम दो भाई जा रहे थे तो उन्होंने हमारे जो है वो मारपीट करके गोली मार दी। लेकिन दोनों पक्षों से जो चौहान लोगों का झगड़ा है, एक आदमी की इसमें डेथ हो गई है और एक आदमी के पीठ में गोली लगी हुई है पूरी, चूँकि सब लोग अपनी उसमें मरीजों के और उसमें लगे हुए हैं और कोई भी आदमी बातचीत के लिए अभी नहीं मिल रहा है तो पूरी बात जो है समझ में नहीं आई है। जैसे ही पूरी बात जो है वो पता लगेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का गांव का कोई पुराना विवाद था जिसमें ये आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक आदमी की डेथ हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। इसको घायल को गोरखपुर जो है वो मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करके अभी भेजा जा रहा है और इसमें जो भी नाम प्रकाश में आएंगे या जिनके खिलाफ़ भी FIR होगी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ़ की जाएगी।